नमस्ते दोस्तों, आज मैं उस शख्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसको करीब लगभग सब लोग पहचानते हैं, जिसका एक ब्लॉगिंग चैनल है, जिसका ब्लॉगिंग चैनल में करीब 18 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिसका नाम है सौरभ जोशी। आप सभी पहचानते होंगे उस शख्स को, सौरभ जोशी। उसका कहना है कि आज मेरे द्वारा उत्तराखंड हल्द्वानी के बारे में सब लोग जानते हैं। भाई कौन हो तुम? तुमसे आगे कोई इंसान नहीं था क्या वो जगह के जाने के लिए? तुम मतलब मैं एक बात करने जा रहा हूँ, मेरे द्वारा क्या एक मतलब मेरे द्वारा ये सब गांव जानते हैं क्या सब लोग? मेरे से आगे कितना लोग आए, कितना लोग गए, सब लोग जानते हैं कि हाँ ये मेरा गांव है, ये कौन सा गांव है? वो मैं नहीं, सब लोग जानते हैं, सिर्फ मैं नहीं, सब लोग जानते हैं। मेरे द्वारा ये गाँव को कोई नहीं जानता है, उन सबका द्वारा जो मेरे से आगे आए उनके वजह से मैं जानता हूँ कि हाँ ये मेरा गांव है, मेरा गांव ऐसा है, मेरा गांव ऐसा है। पर ये सौरभ जैसी जो बोल रहा है ना, जो मेरे द्वारा ये हल्द्वानी, उत्तराखंड हल्द्वानी सब जानते हैं, ये गलत बात है। घमंड भाई, इससे तो जाहिर है कि उनका मतलब उसको घमंड ने पकड़ लिया है, उसको घमंड ही हो चुका है वो लड़का, जिसका अच्छा खासा ब्लॉगिंग चैनल है। ब्लॉगिंग चैनल क्या था, सिर्फ तो अपना घर ही तो दिखाता है। हाय मैं ब्रश कर लिया, हाय ये मेरा ये पीयूष है, हेलो गाइस, ये क्या बोलता है ना, मेरा कुत्ता जिसका नाम ओरियो है शायद, मैं भी देखता था, मैं भी फॉलो करता था, पर मैं उसको अनफॉलो कर दिया क्योंकि घमंडी मुझे ज़्यादा भी पसंद नहीं है। तो उत्तराखंड हल्द्वानी में बाहर से भी बहुत फॉरेनर लोग घूमने आए हैं क्या? उनको भी सौरभ जोशी ने बताया कि ये देखो ये मेरा हल्द्वानी है, आओ घूमने? नहीं ना, उससे आगे भी आए थे। कितना मतलब आगे का मतलब सौरभ जोशी जब नहीं था उत्तराखंड हल्द्वानी को बचाने के लिए, कितना फ्रीडम फाइटर लोगों ने अपना जान का परवाह ना करते हुए उस जगह को बचाया है, पता है क्या सौरभ जोशी आपको? नहीं ना, तो क्यों इतना घमंड? एक दिन घमंड आपको ले डूबेगा, देखिए एक दिन घमंड आपको ले डूबेगा, मैं बोल रहा हूँ, अभी भी समय है, सुधर जाओ। सब लोग, अरे ब्लॉगर हो ना तो ब्लॉगिंग करो, घमंड क्यों पाल रहे हो? एक तो गाइस एक बात तो है, ये जो सौरभ जोशी है ना, वो क्या होता है ना, अपना मतलब फैमिली जो सब्सक्राइबर होता है वो एक फैमिली होता है, उसका वैल्यू उनको मालूम नहीं है, यही बात है सर, उनका वैल्यू उसको मालूम नहीं है। ये बोल रहा है कि मेरे द्वारा ये हल्द्वानी सबको मालूम चला है, हाँ क्यों? दुनिया में कितना यूट्यूबर है, कितना मिलियन करीब 60-30 बहुत ज़्यादा मिलियन फॉलोवर है उन लोगों का, उन यूट्यूबर का। जो सेलिब्रिटी लोग हैं ऐसा बोलते हैं कि जो है मेरा, जो मैं हूँ वो सब पब्लिक की वजह से है, वो मेरा फैमिली है, वही मेरा भगवान है। पर ये सौरभ जोशी पब्लिक को चारा सा भी वैल्यू दिया नहीं, ऐसा लग रहा है चारा सा भी वैल्यू नहीं है। पब्लिक कौन सा है, पब्लिक का वैल्यू महत्व क्या है? गाइस सौरभ जोशी खुद को सेलिब्रिटी समझते हैं, हर सेलिब्रिटी अपने पीछे रखते हैं अपने भगवान, जो भगवान है ऑडियंस, क्योंकि उसके ही थ्रू सब लोग ऊपर। हाँ मेहनत तो करता है, मेहनत तो सब लोग करता है, पर उसको वो मेहनत को रंग लाता है वो पब्लिक। जब आपको पब्लिक देखेगा ही नहीं तो आप लोग आप उसको मतलब ऊंचे कैसे होंगे, थोड़ा बड़े कैसे होंगे? तो गाइस पब्लिक ऑडियंस को थोड़ा रेस्पेक्ट करो, क्या ऑडियंस देखना चाहते हैं वो दिखाओ, घमंड मत रखो। मैं यही कहना चाहता हूँ आज के वीडियो यहीं तक, कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना, बाय।